यह है कि 1 करोड़ चाइनीज पाकिस्तान में आकर सेटल होंगे सीपैक रूट के ऊपर अगले 5-6 साल 10 साल के अंदर। जी 1 करोड़ चाइनीज, क्या उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे इस्लामी माशरे पे, कंजर्वेटिव माशरे पे इसके असरात क्या पड़ेंगे? बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत तो बुरे। ये बात। नमस्कार दोस्तों, HSF मीडिया में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आजकल इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख बॉर्डर पर जो टेंशन बनी हुई है, और चाइना के इस रवैये को देखते हुए पाक मीडिया में भी सीपैक को लेकर सवाल उठने लगे हैं, और पाक मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि आने वाले कुछ सालों में चाइना किस प्रकार पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये वीडियो। खिलाफ प्रोपेगेंडे की कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 से 6 हफ्ते के दौरान बलूचिस्तान में खास तौर पर देखने को आया है, आप भी जाहिर है कि न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, निजी 5-स्टार होटल में अटैक हुआ, इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, इक्का दुक्का छोटे मोटे वाकयात भी हुए, और बात इतनी सी है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर मुमकिन भारत कोशिश कर रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए जमील, ये बात मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ जी कि पाकिस्तान 5th जनरेशन वॉर को हार रहा है। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज इस बात के बावजूद कि हमने TTP को बहुत नुकसान पहुंचाया, हमको अफगानिस्तान धकेला, BLA को हमने बहुत हद तक कंटेन कर लिया था, लेकिन ये जंग हमारे खिलाफ पिछले 19 साल से जारी है और अभी तक इसकी कोई टर्मिनेशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जंग 1 साल में 2 साल में 10 साल में कब खत्म होगी। जी हम सिर्फ एक रिएक्टिव जंग लड़ रहे हैं। हम दुश्मन हम पर अपनी मर्जी से, दुश्मन चूज करता है टारगेट, दुश्मन चूज करता है मकाम वक्त, और हम पर हमला करता है और हम सिर्फ दिफा कर रहे हैं। नतीजा ये होता है कि वो 100 हमले करता है, हम 20-25 हमले रोक लेते हैं, बाकी तमाम गुजर जाते हैं, कैजुअलिटीज होती हैं, नुकसान उठाते हैं। एक परपिचुअल साइकिल है जो पिछले 19 साल से चल रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी या नेशनल या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी तक डिफेंसिव रिएक्टिव है। नतीजा यह है कि परपेचुअली दुश्मन को एडवांटेज है, वो अपनी मर्जी से जगह चूज करता है, हमले करता है और हम सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं। सर, अटैकिंग रिएक्टिव कैसे हो सकती है जैद साहब? देखिए यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब इतने अरसे के बाद वी शुड रियलाइज दिस कि कैंसर अफगानिस्तान में बेस करता है। और अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अमेरिकन से ये डिमांड नहीं की है कि आप अफगानिस्तान से दफा हो जाइए निकलकर। जो प्रॉब्लम हमें आ रही है 9/11 के बाद, वो अमेरिकन ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान की वजह से। हमने एज्यूम कर लिया है कि अमेरिकन कयामत तक अफगानिस्तान में रहेंगे और उनकी मर्जी है, अमेरिकन फैसला करेंगे कि कब निकलना है, और हम सिर्फ अमेरिकन पॉलिसी को फॉलो करेंगे जो उनकी वजह से 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, $120 अरब का नुकसान हो चुका है और रोज हम पर हफ्ते में 2-3 हमले हो रहे हैं। हमने इसको फेट कंप्लाई अपनी तकदीर समझकर कबूल कर लिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि हम खुलकर अफगानिस्तान के अंदर जाते, अपने एसेट्स क्रिएट करते, अफगान तालिबान को रिकग्नाइज करते, उनको डिप्लॉय करते, उन तमाम अफगानिस्तान अपने बॉर्डर के पास एक बफर जोन क्रिएट करते जैसे टर्की ने सीरिया और इराक में किया है। और अब दाइश क्रिएट कर दी है, आईएसआईएस क्रिएट कर दी है अमेरिकन और CIA ने, और दाइश ने कल परसों ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि हमने पाकिस्तान को अपना प्रोविंस बना लिया है, हमारी खिलाफत जो दुनिया में फैली हुई है अब हम पाकिस्तान पर भी हमले करेंगे ऑफिशियली, और अबू बकर बगदादी को वो अफगानिस्तान ले आए, अबू बकर बगदादी को वो अफगानिस्तान ले आए। तो क्या हल क्या है इसका जैद साहब? हल क्या है इसका? मैं आपको यही हल बता रहा हूं साथ साथ जी। हल ये है कि आप डिमांड करें अमेरिकन से कि आप टाइमलाइन दें हमें अफगानिस्तान से निकलने की, और अफगान तालिबान को ऑफिशियली रिकग्नाइज करें। अफगान तालिबान कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के लिए पूरी तरह बॉर्डर सिक्योर कर देंगे लेकिन आप हमें इज्जत दें, वो कुछ मांगते हैं ना जवाब। तो टाइम फ्रेम तो जैद साहब अक्सर अमेरिका की जानिब से दिया जाता है, ज़ल्मे खलीलज़ाद भी अक्सर मौके पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभी 8 माह में हम जाने वाले हैं, 10 माह में जाने वाले हैं, तो ये क्या है, ढकोसला है? टाइम फ्रेम की बात तो पिछले 10 साल से हो रही है कि हम निकलने वाले, लेकिन वो कभी नहीं निकलने वाले। अभी अमेरिकन पॉलिसी एडवाइजर्स ने, अभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम अफगानिस्तान से निकले तो अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा, अफगान तालिबान कब्जा कर लेंगे। अफगान तालिबान कब्जा करते हैं, करें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कौन से अमेरिकन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए वो यहां बैठे हुए हैं? और सबसे बड़ा उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना। पाकिस्तान के एटमी हथियार इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा, ईरान खतरा नहीं है उनके लिए।
ईरान की नाक से सरहदें मिलती हैं। नो डाउट, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स ही हैं जो सबसे बड़ा खतरा है। उनके लिए खतरा, ईरान एक न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, ईरान इसराइल से 2000 मील दूर बैठा हुआ है, ईरान के पास हो या उस जैसा हो, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एक रोड के हवाले से ही हो रही है, एक राहदारी देने के हवाले से ही हो रही है, तो एटलीस्ट इसका खैर मकदम तो करना चाहिए। अब जिस तरह के वाकयात बच्चियों की शादियों के और उनको चाइना ले जाकर उसके बाद उनको जिंसी तौर पर इस्तेमाल करने के सामने आए हैं और पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह से उनको हाईलाइट किया है, अगर इस तरह के वाकयात इंडिया में चाइना जाके करता या उनका कोई अलाई करता तो इंडियन मीडिया इस तरह हाईलाइट कर रहा होता? हामिद साहब देखिए, देखिए जमील, बात यह जी कि एस्टिमेट यह है कि 1 करोड़ चाइनीज पाकिस्तान में आकर सेटल होंगे सीपैक रूट के ऊपर अगले 5-6 साल 10 साल के अंदर। जी 1 करोड़ चाइनीज, क्या उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे इस्लामी माशरे पे, कंजर्वेटिव माशरे पे इसके असरात क्या पड़ेंगे? बहुत बुरे। ये बात तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोस। आप कुत्ते खाएंगे, बिल्लियां खाएंगे, सुअर खाएंगे, फिर वो आपका जो जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो तबाह कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। तफरी का है ना जी, तो आपको यही बात के इलामा इकबाल ने जो बात कही थी, इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बात ये कि हम अपनी जान माल इज्जत आबरू अपनी अपने ऑनर अपनी गैरत अपनी तहजीब तो नहीं फरोख्त कर रहे 10 अरब 15 अरब डॉलर के लिए, इसलिए कि चिनिया अपनी सामान ले जाके बेच सके ग्वादर के जरिए। हमको अपनी शराइत अपनी मर्जी की तय करनी और सिंपल रूट दें हमको, जैसे कहा कि सिंपल सीधा सीधा रूट दें कि जी आप अपने ट्रक लेके यहां से यहां चले जाएं, फैक्ट्रीज जो आप लगाएंगे यहां पर वो पाकिस्तानी टेक्निकल टीम होंगी, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और हमारी बाकी इसके अलावा इनको स्टॉक एक्सचेंजेस और ज़राअत और एग्रीकल्चर और हमारी पावर यूटिलिटीज और हमारी पावर जनरेशन, हमारी एजुकेशन, ये सब इनके हवाले करने की जरूरत नहीं। और इसके लिए जाहिर है चूंकि शरायत खतरनाक है, जब भी खुफिया रखी गई है, वरना पब्लिक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, पब्लिक क्यों नहीं करते आप? और सीपैक अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते? सीपैक अथॉरिटी का मतलब है कि उसके अंदर आर्म फोर्सेस के, आईएसआई के, कोस्ट गार्ड के, हाईवे अथॉरिटी के, पोर्ट कराची पोर्ट, पाकिस्तानी पोर्ट्स के सब इदारों के नुमाइंदे हों, ताकि वो मिलकर एक नेशनल प्लान बनाकर चाइना से नेगोशिएट करें। अभी खुफिया तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर पिछली हुकूमत का, जैस हुकूमत की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो डील कर रही है, ये फिर शक पैदा करती है right. और जो चीजें सामने आ रही हैं right. वो इतनी खतरनाक हैं कि परेशान कौन है? इमरान भाई, क्या रहा है फाइनल कमेंट? फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हार रहे हो या उस जैसा हो, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एक रोड के हवाले से ही हो रही है, एक राहदारी देने के हवाले से ही हो रही है, तो एटलीस्ट इसका खैर मकदम तो करना चाहिए। अब जिस तरह के वाकयात बच्चियों की शादियों के और उनको चाइना ले जाकर उसके बाद उनको जिंसी तौर पर इस्तेमाल करने के सामने आए हैं और पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह से उनको हाईलाइट किया है, अगर इस तरह के वाकयात इंडिया में चाइना जाके करता या उनका कोई अलाई करता तो इंडियन मीडिया इस तरह हाईलाइट कर रहा होता? देखिए देखिए जमील, बात यह है जी कि एस्टिमेट यह है कि 1 करोड़ चाइनीज पाकिस्तान में आकर सेटल होंगे सीपैक रूट के ऊपर अगले 5-6 साल 10 साल के अंदर। जी 1 करोड़ चाइनीज, क्या उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे इस्लामी माशरे पे, कंजर्वेटिव माशरे पे इसके असरात क्या पड़ेंगे? बहुत बुरे। ये बात तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोस। आप कुत्ते खाएंगे, बिल्लियां खाएंगे, सुअर खाएंगे, फिर वो आपका जो जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो तबाह कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। तफरी का है ना जी। तो आपको यही बात के इलामा इकबाल ने जो बात कही थी, इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बात ये कि हम अपनी जान माल इज्जत आबरू अपनी अपने ऑनर अपनी गैरत अपनी तहजीब तो नहीं फरोख्त कर रहे 10 अरब 15 अरब डॉलर के लिए, इसलिए कि चिनिया अपनी सामान ले जाके बेच सके ग्वादर के जरिए। हमको अपनी शराइत अपनी मर्जी की तय करनी और सिंपल रूट दें हमको, जैसे कहा सिंपल सीधा सीधा रूट दें कि आप अपने ट्रक लेके यहां से यहां चले जाएं, फैक्ट्रीज जो आप लगाएंगे यहां पर वो पाकिस्तानी टेक्निकल टीम होंगी, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और हमारी बाकी इसके अलावा इनको स्टॉक एक्सचेंजेस और ज़राअत और एग्रीकल्चर और हमारी पावर यूटिलिटीज और हमारी पावर जनरेशन, हमारी एजुकेशन, ये सब इनके हवाले करने की जरूरत नहीं। और इसके लिए जाहिर है चूंकि शरायत खतरनाक है, जब भी खुफिया रखी गई है, वरना पब्लिक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, पब्लिक क्यों नहीं करते आप? और सीपैक अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते? सीपैक अथॉरिटी का मतलब है कि उसके अंदर आर्म फोर्सेस के, आईएसआई के, कोस्ट गार्ड के, हाईवे अथॉरिटी के, पोर्ट कराची पोर्ट, पाकिस्तानी पोर्ट्स के सब इदारों के नुमाइंदे हों, ताकि वो मिलकर एक नेशनल प्लान बनाकर चाइना से नेगोशिएट करें। अभी खुफिया तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर पिछली हुकूमत का, जैस हुकूमत की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो डील कर रही है, ये फिर शक पैदा करती है right. और जो चीजें सामने आ रही हैं right. वो इतनी खतरनाक हैं कि परेशान कौन है।